सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल कैसे होता है, सरकार की तरफ से सोलर पैनल लगवाने पर क्या कुछ लाभ दिए जा रहे हैं, और क्या सोलर पैनल लगवाने के लिए भी लोन लिया जा सकता है, इन तमाम बातों पर आज बात करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके क्रेडिट में। और दोस्तों, इन दिनों हम देख रहे हैं कि भारत सरकार सोलर एनर्जी पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। हालांकि इसके फ़ायदे भी कई हैं, इसके साथ आप अपना काम भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा सोलर एनर्जी की सबसे खास बात यह है कि आप सोलर पैनल जो है वो कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आखिर सोलर पैनल लगाने से आपको भी फ़ायदा मिलता है या नहीं, और सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल कैसे होता है, सरकार की तरफ से सोलर पैनल लगवाने पर क्या कुछ लाभ दिए जा रहे हैं, और क्या सोलर पैनल लगवाने के लिए भी लोन लिया जा सकता है, इन तमाम बातों पर आज बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सोलर पैनल के ज़रिए यानी फिर सोलर एनर्जी के ज़रिए क्या कुछ लाभ आपको मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल लगवाने पर मिलने वाली सब्सिडी की। यदि सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति 1 किलोवाट का सोलर प्लांट अपने घर पर या कहीं पर भी इंस्टॉल कराता है तो उसे कुल मिलाकर सब्सिडी के अंतर्गत 60,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक खर्च करना होगा। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति बिना सरकारी सब्सिडी के सोलर पैनल को इंस्टॉल करवाता है तो उसे कुल 1,00,000 रुपए तक खर्च करना होगा, और ये खर्चा राज्यों के हिसाब से अलग अलग भी हो सकता है। इसके अलावा भी कई राज्यों को सरकार इससे ज्यादा भी सब्सिडी देने पर विचार कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर पैनल को इंस्टॉल करें और बिजली की आपूर्ति खुद ब खुद ही कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, बिजली की आपूर्ति तो खुद ब खुद कर सकेंगे, लेकिन सोलर पैनल आखिर इंस्टॉल करवाएं कैसे? तो सुनिए, इसे इंस्टॉल करवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्टेट में राज्य में मौजूद रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी से संपर्क करना है। देश के प्रत्येक स्टेट के प्रमुख शहरों में सोलर डिपार्टमेंट का कार्यालय बनाया जा चुका है। आप चाहें तो बड़ी ही आसानी से अपने शहर के प्राइवेट डीलर के पास जाकर सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकते हैं। किसी भी स्टेट या सिटी में मौजूद सोलर पैनल अथॉरिटी से भी आप सोलर पैनल को स्थापित करने के लिए बात कर सकते हैं, और उसके बाद लोन आदि के बारे में बात की जा सकती है। सब्सिडी के अंतर्गत पैनल इंस्टॉल करवाने के लिए आपको अथॉरिटी के पास ही सब्सिडी का फॉर्म मिलेगा, जिसके अंतर्गत आप सब्सिडी में सोलर पैनल अपने मनचाहे जगह पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो चलिए, सोलर पैनल भी आपने इंस्टॉल करवा दिया, ये जानकारी भी आपको हमने दे दी, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर कितने वॉट तक का सोलर पैनल आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। लगभग 500 वॉट के सोलर पैनल को सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति बड़ी ही आसानी से अपनी जरूरत के अनुसार लगा सकता है, और ये सरकार पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत लोगों को प्रदान कर रही है। और हाँ, प्रत्येक 500 वॉट के सोलर पैनल पर आपको लगभग 50,000 रुपए तक खर्च करना होगा। खास बात यह है कि सोलर पैनल लगवाने पर आपको बिजली के जो लंबे चौड़े बिल आते थे उनसे छुटकारा मिल जाएगा, और हाँ, इसकी मेंटेनेंस भी कुछ खास नहीं है। सिर्फ आपको 10 सालों में एक बार अपनी बैटरी को 20,000 रुपए में रिप्लेस करवाना होगा। इसके अलावा सोलर पैनल इतना सूटेबल होता है कि ये कहीं पर भी आसानी से जाकर इंस्टॉल किया जा सकता है, और इसमें कोई भी खर्चा नहीं आता। गर्मी का समय है, सवाल ये आ रहा है कि भाई ठीक है, सोलर पैनल लगवा लिया, इतने वॉट का भी लगवा लिया, लेकिन एसी तो हमें ठंडी हवा दे रहा है, उसके बिना तो सोया नहीं जाता, तो एसी चलेगा या नहीं, तो वो भी सुन लीजिए। आपको बता दें कि 1 किलोवाट का सोलर पैनल आपके घर में बिजली की आपूर्ति बड़ी ही आसानी से कर देता है, और इतना ही नहीं, एक एसी 1 किलोवाट के सोलर पैनल पर आसानी से चल सकता है। लेकिन अगर आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल अपने घर पर लगवाते हैं तो आप 2 एसी और 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो 3 एसी आराम से चल सकते हैं। अब आप ही सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान काम है, कि बिजली का बिल एक मेजर खर्चा होता है, अगर आप एक घर की बात करें तो मेजर खर्चा होता है बिजली के बिल का, तो बिजली का बिल अगर नहीं आना है तो भाई चलिए सोलर पैनल ही लगवा लेते हैं। तो आपको ये भी बता दें कि अगर आपके पास सोलर पैनल लगवाने के पैसे नहीं हैं तो आप लोन ले सकते हैं।
आप सोलर पैनल खुद लगवाना चाहते हैं और आपके पास पैसे इकट्ठा नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आप किसी भी बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं। भारत सरकार और वित्त मंत्रालय ने सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने के लिए बैंकों को जरूरतमंद व्यक्तियों को लोन देने की अनुमति दे रखी है, इसलिए आपको होम लोन मिलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सरकार चाहती है कि सोलर एनर्जी के जरिए लोग अपनी बिजली की आपूर्ति को पूरा करें, इसी वजह से अब सोलर पैनल पर भी आवश्यक सब्सिडी लोगों को दी जा रही है। तो देखा आपने, आप बड़ी ही आसानी से सोलर पैनल अपने घर में इंस्टॉल करवा सकते हैं, बिजली के मोटे मोटे बिलों से छुटकारा पा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, किस तरह के वीडियोस आप आगे देखना चाहेंगे वो भी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको अपडेट्स मिल सके। नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।